माननीय मुख्य न्यायाधीश हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मैं रमेश गोदारा जो रिश्ते में मेरा दादा लगता है, जो प्रदेश जजपा प्रदेश महासचिव हैं, 2017 में मुझे दवाई दिलाने के बहाने कालका लेकर गया था और रात में अपने भाई के निवास स्थान चंडीगढ़ पर रहने की बात बोली थी, लेकिन वो मुझे MLA हॉस्टल चंडीगढ़ में ले गया। वहाँ रुकने के लिए मैंने मना किया तो बोला कि भाई का परिवार तो बाहर गया है, यहीं रुकना पड़ेगा। खाने में नशीली वस्तु मिलाकर मुझे बेहोश कर दिया, बेहोशी की हालत में मेरा बलात्कार किया और मेरी वीडियो बना ली और मेरी नंगी तस्वीरें ले ली। तब से वह मुझे बार बार ब्लैकमेल करके चंडीगढ़ अपने दोस्त के घर संजय पंछी, जो हरियाणा रोडवेज में कर्मचारी है, के क्वार्टर पर ले जाकर बलात्कार करता। उसके बाद हिसार अपने दोस्त जो सरकारी लेक्चरर है के घर ले जाकर मेरा बलात्कार किया। बार बार फ़ोन करके बुलाता है और मेरा बलात्कार करता है। मेरे ससुराल गुड़गांव में जब मेरा पति ड्यूटी पर चला जाता था तो पीछे से आकर मेरा बलात्कार करता, जान से मारने की धमकी देता है, वीडियो वायरल करने की धमकी देता। जब मेरे ससुराल वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, मैं अपने जीवन से तंग आ चुकी हूँ, उसकी धमकियों से तंग आ चुकी हूँ। मेरे परिवार को ख़त्म करने की धमकी देता है और बोलता है कि तेरे भाइयों को झूठे केस में फंसवा दूंगा, थाना कोर्ट कचहरी डिप्टी CM सब मेरे हैं। मेरी सभी जाट भाइयों से प्रार्थना है कि मुझे न्याय दिलाने में मेरा साथ दें।